इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लोग आपस में क्यों भिड़ रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर पर आप एक बार नजर अवश्य ही डाल लीजिए। ये मामला है उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय को मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करना था। उद्घाटन से ठीक पहले सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोहल्ला क्लिनिक खुलने का विरोध जताते हुए हाथों में तख्ती व काले झंडे लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए उद्घाटन स्थल तक आ गए। ये बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी, वो भी मोदी और मनोज तिवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ बैठे और उन्हें बाहर निकाल दिया। तस्वीरें साफ बयां कर रही है किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहना था कि घोंडा विधानसभा में पहले से कई मोहल्ला क्लिनिक मौजूद हैं, पहले उन्हें तो चालू करो, उसके बाद दूसरा नए बनाकर जनता के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि ये जो पुराने मोहल्ला क्लिनिक नूरीलाई में है, मोहनपुरी में है, मोजपुर में ऑलरेडी वो बंद पड़े हैं, आप नए खोल रहे हो लेकिन पुराने बंद होते जा रहे हैं। ये जनता का जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, जब आपके पुराने मोहल्ला क्लिनिक चालू हो सकते हैं वो तो बंद पड़े हैं और करोड़ों रुपए लगा के जनता की ये जो पैसे बर्बाद करे जा रहे हैं, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखा रहे हैं। हमारा जो विषय है, हमारा जो प्रदर्शन है, उसका मुख्य कारण यह है कि पुराने जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं उसमें जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, देश का पैसा लगा हुआ है, वो मोहल्ला क्लिनिक अभी तक बंद पड़े हुए हैं, उनमें कुत्ते भी आ रहे हैं, गाय बैठी हुई है, गधे बैठे हुए हैं, उनमें सुविधा दो। आप नए मोहल्ला क्लिनिक हम खोलने का विरोध नहीं कर रहे, और अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करो, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य के लिए नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है प्रत्येक व्यक्ति को, तो उन योजनाओं को तो आप लागू करोगे नहीं। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे घोटालों में, ऐसे फिजूल के खर्चों में आप लगाए जा रहे हो। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पुराने मोहल्ला क्लिनिक को पहले आप दुरुस्त करो, फिर नए मोहल्ला क्लिनिक खोलो। हम संदेश देना चाहते हैं, पहले जो पुराने कार्य हमारे वो है मोहल्ला क्लिनिक, इनको चालू किया जाए, उसके बाद नए का उद्घाटन किया जाए। उनमें पहले वालों में इतनी दवाइयाँ किसी को नहीं मिल पाती हैं और जिससे कि परेशानियाँ होती हैं मोहल्ले वालों को, और उन लोगों को पूरी दवाइयाँ नहीं मिल पाती। डॉक्टरों के रूप में छोटे छोटे बच्चे बिठा रखे हैं जो दवाइयाँ वितरण करते हैं, जिसका उन्हें मरीजों को बहुत नुकसान होता है, और ऐसे ऐसे टेस्ट लिखते हैं जो टेस्ट होना होता है उस दिन और वो उस दिन ना होकर अगले दिन हो पाता है। और लेकिन पुराने कार्यालय जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रखे हैं, उन्हें चालू करने के लिए अब ये नए नए खोल रहे हैं, वोट बैंक को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं। पुराने क्लिनिक हम ये चाहते हैं कि शुरू करें और नए वालों को ना खोलें। यहाँ से चुनाव लड़ने निगम प्रत्याशी मिथिलेश पांडे बोल रही हूँ। यहाँ गोपाल राय की इतनी गुंडागिरी है और रेखा त्यागी की, पूरा वार्ड सड़ा के रख रखी है रेखा त्यागी, और गोपाल राय कहीं की भी न एक सड़क बनवाया, न एक गली बनवाया, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो कितने दिन से इसमें गाय गोबर कर रही थी, इसमें जुआड़ी जुआ खेल रहे थे, कभी इसकी सुध नहीं लिया। अब चुनाव नजदीक आ रही है तो मोहल्ला क्लिनिक एक के बदले दूसरा मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाह रहा है। अगर इतनी ज्यादा इनको अगर पब्लिक की चिंता है तो आयुष्मान योजना पूरे भारत में लागू है, ये क्यों नहीं लागू करने दे रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली सरकार निकम्मी है और हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। आज तक एक काम गोपाल राय कभी क्षेत्र में दिखा नहीं, ना एक काम किया है।
अभी पार्टी के भी आएंगे यहाँ पर बाबरपुर विधानसभा के वार्ड 48 ई में माननीय गोपाल राय जी दो मोहल्ला क्लिनिकों के उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए थे। वो उद्घाटन जनता को अपने क्षेत्र में ये सौगात देना चाहते थे कि घर बैठे उन्हें छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आसानी से मिल सके, लेकिन यहाँ पर पब्लिक भी बैठी है, जनता के लोग बैठे हैं और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं। क्या होता है अचानक से भाजपा के कार्यकर्ता अपनी गंदी राजनीति के तहत यहाँ पर उछल कूद करने का काम करते हैं, वो इस मोहल्ला क्लिनिक की खिलाफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से, और वो कुछ बैड एलिमेंट्स के साथ आए थे, कुछ गुंडों के साथ आए थे और कुछ अपनी भाजपा की महिलाएं लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ पर उनके जेंट्स लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और बैड एलिमेंट्स ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी है, जेंट्स के साथ भी लकड़ी इतनी लंबी लकड़ी झंडे में लिए हुए उसको यहाँ पर खोदे लगा के भगाने का काम कर रहे हैं। ये जनता के हित में कोई भी काम चाहते नहीं, असल में इनके अंदर बौखलाहट है। दिल्ली के 450 साल के कामों को लेकर इन्हें पता है आने वाले विधानसभा के चुनाव में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और दिल्ली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की बन रही है, ये बौखलाहट इनके चेहरे पे दिखाई। बहरहाल कुछ भी हो, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211 4783 12, 9211 4183 12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।